देखो जी, हमारी दीवाली की सफाई चल रही है। कमरे में मैंने 2-3 दिन पहले भी करी थी सफाई, थोड़ी बहुत करनी है। और ये कुछ तो मैंने स्टोर की कर ली है सफाई, और ये अड़ंगा निकाल दिया है, जो एक्स्ट्रा चीज़ होती थी वो निकाल देंगी। और अभी सफाई चल ही रही है, सफाई करके आप लोगों को दिखाएंगे। रसोई की सफाई शुरू करूंगी, सारे बर्तन नीचे निकाल के और बाहर रखूंगी। दिवाली की सफाई हमारी चालू हो गई है, बाहर खाट पे बर्तन रख दूंगी। और फिर देखो जी, मैंने सारे बर्तन निकाल लिए हैं बाहर रसोई के नीचे के, खाली कर दिए। अभी यहाँ पर धोऊंगी, ये बाहर रख दिए हैं ये सारा डिब्बे विब्बे। ये मैंने मिक्सी साफ करनी है, ये मिक्सी पर खारसा जम रहा है, ये काली काली हो रही है धूल, तो इस पर मैं थोड़ा आरपिक लगाऊंगी, आप लोगों ने दिखाऊंगी। देखो जी, मैं अपनी मिक्सी को साफ करी, इसके चूर दे गए रेत धूल मिट्टी ज़्यादा लग गई थी, ये काफ़ी टाइम से मैंने अच्छी तरह साफ नहीं की थी। ये मैं इसमें पानी नहीं लगाऊंगी, थोड़ा सा आरपिक गेर के इसमें इस तरह, और हल्का सा कपड़े थे ये ब्रश की सहायता से इसने मैं मरकट दूंगी, जो पानी तो तैयार जल जाएगी। और फिर सूखे कपड़े से इसे साफ कर दूंगी मैं, इसे अच्छी तरह मसल के। साफ करने के बाद आप लोग का दिखाऊंगे, पानी लग गया तो ये खराब हो जाएगी, गीले कपड़े से साफ करेंगे इसे। देखो, मेरी पहले से ज़्यादा मिक्सी चमक गई है, इस पर बहुत खार जमक रहा था, मैंने कपड़े से ये साफ कर दी है। रसोई की सफाई चल रही है वे, आज मैंने रसोई धो दी है, अभी तो धोने लग रही हूँ। मतलब मेरा स्टैंड था नहीं, कदम का पानी पड़ जाए फोन, इसलिए मैं वैसे दिखा रही हूँ। देखो, ये रसोई धो रही है, क्योंकि पोछा तो रोज लगा देते हैं, दो आदमी का एक बार अच्छी तरह धो दे दिवाली पर, फिर बर्तन जचाऊंगी। तो धोने के बाद आप लोग फिर मिलते हैं, मैं धो लूँ रसोई। मैंने एक नया टिफिन काटा है, ये छोटा वाला, पहले मैंने बड़ा रोटिया वाला टिफिन काट रखा था, इसका एक तीन थे, एक और छोटा है, ये मैंने एक और काट दिया है। मतलब सब्जी वगैरह कुछ काटनी हो सकती है मैं, तो इसमें गर्म रह जाएगा। दिवाली पर नया काट दिया, एक बर्तन से चाड़ ला रही हूँ मैं, उस पर क्या धरती है कुछ नीचे कर। देखो जी, नवीन के कमरे की सफाई चल रही है, इसकी सारी किताब, नवीन अपने कमरे की सफाई ज़्यादातर आप ही करता है, पर आज वे खेत में जा रहे हैं बाबू बेटा, तो मैंने इसकी सफाई शुरू कर दी है। देखो, हमारी ईंट कैसे निकल आई है, कई बार नूनी के कारण हो रहा है सारा रास्ता, तो किताबों पर मिट्टी पड़ जाती है। ये सारी मैंने किताब निकाल दी है उसकी, जो उसकी कुछ काम की है, और कुछ थोड़ी ऊँ तो वैसे तो सारी काम की है, पर फिर भी कई बार नू है जो ज़्यादा पढ़ाई में नहीं आती, किसी को देने के बाद में आज या काम उन अलग रखवा दूंगी मैं। और वैसे तो साफ सूफ कर दिया था, पर थोड़ा बहुत झाड़ू झूड़ू मार के दिवाली की सफाई कर देंगे। नवीन आई पीछे किताबन अपनी अंतजार लगा कि उसने पता कौन सी धरनी है कौन सी नहीं धरनी। और मैं अब सफाई पर जुट जाती हूँ, फिर आप लोग मिलेंगे।